सबों का मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्लिक्स प्राथमिक पाठशाला में आज सीटेड पोस्चर योगासन हम देखने जा रहे हैं। मैं आपको सहृदय में स्वागत करता हूँ। इसके दौरान हम इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसकी विधि को, इसके फायदे को, इसके सावधानियां को और किन्हें नहीं करना चाहिए, इन सारी बातों को हम देखने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हमें प्रिपेरेटरी पोज है वज्रासन। ये हम वज्रासन में बैठ गए। आज हम मजारी आसन देखने जा रहे हैं, जिसे मजारी का मतलब होता है बिल्ली, इसे आप कैट पोज भी कह सकते हैं। ये वज्रासन में हमारे अब यहाँ से धीरे 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 अपने दोनों पंजों को आगे करेंगे यहाँ, और यहीं से हम इस तरह से अपने हेड को, नेक को पूरा पीछे की ओर झुकाएंगे और इसे भी नीचे की ओर झुकाएंगे, जैसे कि कोई ऊपर से खेल रहा हो। इस तरह से हम अपने रीढ़ की हड्डी को झुकाएंगे, तरफ करेंगे, जितना हो सके। इस दौरान हमें सांस लेते रहना है, इनहेल करते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए, इस तरह से सांसों को एक्सहेल करना है। अपने सर को दोनों कंधों से अपने बाइसेप के अंदर ले लीजिए और इसे पूरा ऊपर की ओर पहाड़ी नुमा बना लेना है। इसके दौरान अपने हाथों को बिल्कुल सीधा में रखना है और कंधे के नीचे रखना है। जितना लंबा हम सांसों को छोड़ सकते हैं, सांस को छोड़ते हुए सांस को छोड़िए। ये था मित्रों हमारे मजारी आसन, जिसे कैट पोज बोलते हैं। इसके फायदे बहुत हैं, इसकी सावधानियां हम यह देखेंगे कि अगर हमारे कमर में ज्यादा ही दर्द है, केहनी में दर्द है, तो इसे नहीं करेंगे। इसके दौरान हमें ध्यान देना है, इसे हमें जितना स्टोमेक को इन कर सकते हैं, स्टोमेक को इन करना है, चेस्ट को आउट करना, गर्दन को जितना पीछे की ओर झुका सकते हैं हमें पीछे झुकाना है। इससे हमारे शार्प जालाइन भी आ जाते हैं और सेकंड चिन का जो समस्या होते है कई लोगों में, ये भी खत्म हो जाएगा। तो यह हमारे मेरुदंड के साथ 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 कंधों का और गला का भी एक अच्छा व्यायाम हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।